हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं गरीबों से नफरत नहीं करता हूँ। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती है वो है गरीब मेंटालिटी। और इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना या किसी का दिल दुखाना नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गरीब मेंटालिटी कई गरीबों में भी नहीं पाई जाती। ये किन लोगों में पाई जाती है ये बात आपको वीडियो के खत्म होने तक 100% पता चल जाएगी। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप इन बातों पर गौर करो और अगर ये बातें आप में पाई जाती हैं तो अपनी मेंटालिटी चेंज करो। किसी डिले के हम डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। पहली चीज जो गरीब बहुत पसंद करते हैं वो है स्पोर्ट्स, खेलना नहीं सिर्फ देखना। ये कई घंटे वेस्ट कर देते हैं एक मैच देखने में। जब मैच खत्म हो जाता है तो मैच के बाद का प्रोग्राम देखते हैं जिसमें चार लोग बैठकर मैच में जो हुआ वही डिस्कस करते रहते हैं। और फिर वो भी खत्म हो जाता है तो प्लेयर्स की प्राइवेट लाइफ के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर देते हैं। रियलिटी ये है कि अगर आप किसी टीम के मालिक नहीं हो, अगर आप उस खेल से डायरेक्टली जुड़े हुए नहीं हो, तो आपको इस स्पोर्ट्स से इतना लगाव नहीं होना चाहिए। जितने भी अमीर लोग हैं वो कभी भी टीवी के सामने बैठकर स्पोर्ट्स देखते हुए अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर उन्होंने कोई टीम खरीदी हुई है तो वो आपको ग्राउंड पर ही दिख जाएंगे। खेलना बहुत अच्छी बात है, आप खेलो, मैं भी खेलता हूँ। फिजिकल फिटनेस के लिए खेलना बहुत अच्छा है, बट देखते हुए टाइम वेस्ट करना बहुत बुरा है। जिन टीम्स के लिए गरीब लोग झगड़ा करते हैं, जिन प्लेयर्स के लिए वो अपने दोस्तों, अपने पड़ोसी और अपने ही देश के लोगों से झगड़ा करते हैं, वो प्लेयर्स करोड़ों रुपए कमा कर ले जाते हैं और आपको एक रुपया भी नहीं मिलता, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। थिंक अबाउट इट। दूसरी चीज़ है टेलीविजन और सोशल मीडिया। गरीब लोग टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं और सोशल मीडिया पर टाइम भी बहुत वेस्ट करते हैं। इनके फेवरेट टीवी सीरियल्स भी होते हैं जिनका वो एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। अगर आपको भी टीवी सीरियल्स बहुत पसंद है, आप भी अपने फेवरेट टीवी सीरियल का एक भी एपिसोड मिस नहीं करना चाहते, तो चांसेस हैं कि आप गरीब हो, क्योंकि ये टीवी सीरियल्स देखने से आपकी लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, बल्कि और नेगेटिविटी ही आती है। टीवी सीरियल्स के नेगेटिव कैरेक्टर्स आपको अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों में दिखने लगते हैं। अगर वो लोग वैसे नहीं भी हैं तो तब भी आप सोचते हो कि ये तो बिल्कुल सीरियल वाले जैसे ही है या जैसी ही है। तो टीवी सीरियल्स टाइम तो वेस्ट कर ही रहे हैं, नेगेटिविटी तो बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि ये दुश्मनी भी बढ़ा रहे हैं। अमीर सोच वाले लोग टीवी देखने की जगह टीवी पर आना पसंद करते हैं और उनकी यही सोच उन्हें सक्सेसफुल बनाती है। तीसरी चीज़, गरीब लोग अमीर लोगों से ज़्यादा लेजी होते हैं। ये लोग उस समय तक कोई काम स्टार्ट नहीं करते जब तक इनकी पढ़ाई ख़त्म ना हो जाए या इनके पापा इनका कोई जॉब ना लगवा दें, जबकि अमीर लोग कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। वॉरेन बफे ने जब काम करना शुरू किया था तब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। आप किसी भी अमीर की बायोग्राफी पढ़ लो, उन्होंने अपनी स्कूलिंग खत्म होने से पहले ही काम करना स्टार्ट कर दिया था। जो लोग जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं, पैसे बचाना और इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो अपनी जवानी में और उसके बाद की एज में कभी भी गरीब नहीं होते। अगर आप इसी तरह लेट उठते रहे, टीवी देखते रहे और अपनी जवानी ऐसे ही उड़ा दी इधर उधर स्टाइल मारने में, तो जब तक आपको समझ आएगा कि आपको कुछ करना चाहिए तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। आपके पास वो एनर्जी नहीं होगी जो जवानी में होती है। चौथी चीज़, गरीब लोग अपने फेलियर की जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। गरीब लोग हमेशा अपने आप को विक्टिम बताते हैं, मासूम बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया किसी दूसरे की वजह से, मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ कॉम्पिटिशन की वजह से, मैं फेल हो गया हूँ टीचर अच्छी नहीं थी, वो पास हो गया क्योंकि टीचर उसकी रिलेटिव थी। जबकि अमीर लोग फेलियर की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर उनसे गलती हुई थी ताकि वो फ्यूचर में फिर से गलती रिपीट ना हो। जबकि गरीब लोग किसी भी काम में फेल हो जाते हैं तो वो काम को वहीं छोड़ देते हैं, अमीर लोग फिर से ट्राई करते हैं और तब तक ट्राई करते हैं जब तक कि वो कामयाब ना हो जाएं। पांचवी चीज, गरीब सोच वाले लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों से जलते हैं। कोई अच्छी कार सामने से निकलेगी तो कहेंगे कि ये कार तो उसने 2 नंबर के पैसों से ली है। किसी का बड़ा घर देखकर कहेंगे कि ये घर तो उसने ससुराल के पैसों से बनाया है। यार, किसी के भी पैसों से बनाया हो उससे आपको क्या। अमीर सोच वाले दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों को देखकर उन्हें अप्रिशिएट करते हैं। अगर कोई गरीब है लेकिन उसकी मेंटेलिटी अमीरों वाली है तो वो अच्छी कार देखकर कहता है कि बहुत अच्छी कार है, मैं भी एक दिन खरीदूंगा। सेम बात वो एक अच्छा घर देखकर भी कहता है। छठी चीज, गरीब सोच वाले लोग दिखावा करते हैं। अब आप कहोगे कि गरीब कहाँ दिखावा करते हैं, दिखावा तो अमीर करते हैं। नो, मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा है या आपने भी देखा होगा कई लोगों को कि बंदे की सैलरी तो 20,000 है लेकिन वो मोबाइल फोन 50,000 का रखता है। ये चमत्कार कैसे करता है वो? लोन लेकर। क्यों? दिखाने के लिए। लेकिन किसे दिखाने के लिए? उसके ही जैसे अपने आसपास के गरीबों को दिखाने के लिए। गरीब लोग चाहते हैं कि वो जब अपने आसपास के गरीबों से मिले तो वो अमीर दिखें, और जब अपना फोन निकाले तो उनका फोन बेस्ट हो और दूसरे गरीब उनकी तारीफ करें कि वाह भाई क्या फोन है तेरा। तो अमीर दिखने के लिए वो अपने बजट से बाहर निकलकर महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, गरीब लोग कई चीज़ें दिखावे के लिए लोन पर लेते हैं, लाइक AC, बड़ा TV या एक कार। किसी रिलेटिव ने कार ले ली तो गरीब सोचते हैं कि वो उससे एक दर्जे नीचे हो गए। अब ये कैसे भी लोन लेकर एक कार ले आते हैं
और बड़ी मुश्किल से ईएमआई पे करते हैं अपने सैलरी में से बचा बचा कर। और जब इनके बॉस को पता चलता है कि ये फंसा हुआ है ईएमआई में, तो वो सोचता है कि इससे अब जितना चाहे काम करवा लो, ये नौकरी छोड़ने का रिस्क नहीं लेगा, और वो वहाँ पर जॉब में फंस जाते हैं। जबकि अमीर ये सब चीज़ें अपने बिजनेस अकाउंट से खरीदते हैं, जिससे उन्हें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है। आपको शायद लगता है कि ये दिखावा है, लेकिन अमीर एक एक चीज़ पर प्लानिंग करके खर्च करते हैं। और जब भी वो कोई लोन लेते हैं तो एसेट्स खरीदने के लिए, एसेट्स वो चीज़ होती हैं जो उन्हें पैसा बनाकर देती हैं। उन्हें पता होता है कि जितना पैसा वो इसमें डाल रहे हैं उससे ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलेगा। सातवीं चीज़, गरीब लोग हमेशा इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, उनका सोशल स्टेटस नहीं रहेगा, उनकी इज्जत नहीं रहेगी। गरीब लोग उधार लेकर शानदार शादी करते हैं, या फिर अपनी सारी सेविंग्स एक शादी में लगा देते हैं कि कहीं लोग ये ना सोचे कि इनका तो एक ही बेटा है और इतनी सिंपल सी शादी की। ये बहुत सिमिलर है लास्ट पॉइंट से। गरीब लोग सोचते हैं कि मटेरियल चीज़ों से उनकी इज्जत होती है, इसलिए वो महंगी चीज़ें सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि उनकी इज्जत आसपास के लोगों में बनी रहे, ऐसा वो सोचते हैं। जबकि अमीर लोग इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे, वो बस अपने काम से काम रखते हैं। अमीर लोग किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते, जबकि गरीब लोगों ने वहाँ भी इज्जत को जोड़ रखा है कि ये काम बड़ा है ये काम छोटा है। एक अमीर मेंटेलिटी वाला इंसान हर लीगल काम कर लेता है, यानी हर जायज़ काम कर लेता है। मैं नाजायज़ या इल्लीगल की बात नहीं कर रहा हूँ। वो ये नहीं सोचता कि मैं ये करूँगा तो लोग क्या कहेंगे। तो अब आप समझ गए होगा कि मैं किन गरीबों की बात कर रहा था। ये वो गरीब है जो जेब से तो गरीब नहीं है, लेकिन सोच से गरीब है।